दोस्तों कल बिग बॉस के अंदर जिया ने एल्विस यादव को पानी के अंदर साबुन मिला के पिला दिया और एल्विस यादव को थोड़ा सा शक होने पे एल्विस यादव ने जिया से जाकर पूछा कि जिया इसमें क्या साबुन मिला है। तो जिया वहाँ पर मिलाने के बाद भी मना कर रही थी, बोल रही थी मैंने कोई साबुन का पानी नहीं मिलाया, हो सकता है गिलास में पहले से साबुन पड़ा हो, मैंने तो नहीं मिलाया है। तो एल्विस यादव को फिर भी शक होता है, एल्विस यादव मिलाया है तो बता दो यार, ऐसे करते हैं क्या फुकरा इंसान यार, पानी मांगे तो ये ऐसे देते हैं यार, कभी दिन ये जहर भी पिला सकते हैं। तो जिया उस टाइम भी हंसते हुए बोलती है नहीं मैंने नहीं मिलाया है, और हंसती रहती है और डिनाई करती रहती कि मैंने नहीं मिलाया। फुकरा इंसान को उसके ऊपर और गुस्सा आ जाता है, फुकरा इंसान पानी फेंक के बोलता है हमारे घर में इस तरह से नहीं पिलाते पानी, पानी मिलाना, पानी पिलाना धर्म का काम माना जाता है। तो जिया बोलती है ओ सुनो मेरे घर की बातें तो करो मत यहाँ पर। तो फुकरा इंसान बोलते हैं देख भाई ये तो गलत है। तो एल्विस यादव बोलते हैं देख भाई तेरे घर में मुझे नहीं लगता कि पानी ढंग से पिलाया जाता है, पानी पीने के लिए होता है, यहाँ पे साबुन का पानी पिलाने के लिए नहीं होता। तो जिया उस पर भी बहस करती रहती है, इस पर एल्विस यादव को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद एल्विस यादव और जिया की बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। एल्विस यादव बोलते हैं मुझे नहीं लगता तेरे घर में कुछ खाने पीने का सामान ढंग से आता होगा या नहीं, ये पानी पिलाने का तेरे घर में भी ऐसा होता है कि साबुन का पानी पिलाते सबको। तो इस पर बहुत भयंकर लड़ाई होती है जिया और एल्विस यादव के बीच में, और लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि एल्विस यादव बहुत कुछ बोल जाते हैं उसको जिया को, और सही भी था क्योंकि कोई भी साबुन का पानी पिलाएगा तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। और जिया यहाँ पर उससे फिर भी लड़ती रहती है और एल्विस यादव बोलता है चल जा ना तेरे जैसों को मैं घर में है ना, तेरे जैसे लोग मैं घर में हवलदार रखता हूँ, सलाम करते मुझे, सल्यूट मारते जब जब मैं जाता हूँ, सल्यूट मारते मुझे। तो उसके ऊपर जिया बोल रही देखो मेरे घर पे तो जाओ मत, ऐसे बोलो मत। फिर भी एल्विस यादव बोलता रहता है मेरे घर पे सल्यूट मारते हैं ऐसे लोग, और तेरे घर वालों जैसे तेरे खानदान जैसे को मैं हवलदार भी नहीं रखूँ यहाँ पर, और जाना यहाँ से। तो ऐसे करके लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो जिया उस पर भी एल्विस यादव के ऊपर ही चढ़ती रहती है, जबकि जिया की गलती होती है उसके होने के बाद भी। तो एल्विस यादव बोलता है ऐसा होता है कि यार किसी को पानी में जहर मिला के दे दो कभी तो तुम। और इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विस यादव की मम्मी ने जब लाइव फीड्स देखी उसके बाद उनकी मम्मी का ये रिएक्शन था, आप देख सकते हैं वीडियो में। लीजिए बर्तन मान लीजिए, वो तब भी उनमें किस बात का है कि ना ये डॉक्टर तक कंसल्ट करवा रहे हैं भाई के डालना इसमें, वो भी ना देखा उसने तो जाकर तेरे तूने डाला किए इसमें लिक्विड डालो चाहे कुछ भी डालो उसमें केमिकल है। आंटी साबुन तो गलत है, पानी में तो जो पेट के अंदर जा रहा है वो तो खराब ही है। ये काम करेंगे ना भेजा अपना छोरा वहाँ पे। और आप ये देखो ना सबसे बढ़िया बात कि ये सब भी हो गया फिर भी वो तो हंसी मजाक में कि कोई बात नहीं मेरे तो फर्क ना पड़े।